हेलो दोस्तों, मैं आज एक नया वीडियो को लेकर फिर हाजिर हूँ आपके सामने। और दोस्तों, हम आज बात करेंगे क्यूआर कोड और बारकोड के बारे में। या दोस्तों, हम अक्सर क्यूआर कोड और बारकोड का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं या फिर अपने से खुद करते भी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? बारकोड क्यूआर कोड कैसे काम करता है? चलिए, हम आज इस तकनीक के बारे में बात करेंगे और इसका इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया था, कैसे किया गया था, कहाँ पर किया गया था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं जिसान और स्वागत करता हूं आपका ये क्लास चैनल में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूआर कोड के ऊपर और क्यूआर कोड का जो हिस्ट्री है उस पर हम चलते हैं। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। ये किसी की बारे में या कोई भी सामान की जानकारी पल भर में दे देता है। क्यूआर कोड तकनीक लोगों के सामने सबसे पहले बार 1994 में आया और इसे डेंसो वेब की तरफ से तैयार किया गया था। क्यूआर कोड को पहले ऑटोमोबाइल के कई पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स को स्कैन करने के लिए बनाया गया था, और इसके जरिए इन पार्ट्स की जानकारी को इकट्ठा किया जाता था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके तकनीक के ऊपर। क्यूआर कोड 2D डायमेंशन मैट्रिक्स बारकोड की तरह दिखता है। यह स्क्वायर डॉट्स का एक अरेंज फॉर्म है जो स्क्वायर ग्रिड की तरह सफ़ेद बैकग्राउंड पर दिखता है। क्यूआर कोड का इस्तेमाल स्टोर और ट्रांसमिट दोनों के लिए होता है। ये टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, म्यूजिक जैसी चीज़ों की जानकारी को स्टोर करता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। क्यूआर कोड का इस्तेमाल स्मार्टफोन्स, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे डिवाइस के जरिए किया जाता है। दोस्तों, इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर। क्यूआर कोड एक गिफ्ट पैक की तरह है। इसके अंदर क्या है आपको पता नहीं है। अब जैसे आप गिफ्ट पैक को खोलने के लिए कैंची या चाकू का इस्तेमाल करते हैं या अपने हाथों से खोलते हैं, तो वैसे ही क्यूआर कोड में छिपी जानकारी के लिए स्मार्टफोन्स, टैबलेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन डिवाइस के कैमरे क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। इसके बाद इसमें छिपी जानकारी आपके डिवाइस की स्क्रीन पर आसानी से आ जाती है और उसे आप देख सकते हैं। क्यूआर कोड का इस्तेमाल सबसे पहले जापान की कंपनी की तरफ से किया गया था, लेकिन अब ये फीचर लगभग सभी स्मार्टफोन्स में होता है। जिन फोन्स में ये फीचर नहीं है, उन फोन्स में आप प्ले स्टोर के जरिए ऐप लोड करके उसे स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं बारकोड के टेक्नोलॉजी के ऊपर। बारकोड किसी भी सामान का लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, और बारकोड में आप देखे होंगे किसी भी सामान के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, ये कई पैरेलल वर्टिकल लाइंस से बना होता है। इन पैरेलल लाइंस की लंबाई आपस में बड़ी छोटी होती है और इनके बीच का फासला भी ज़्यादा और कम होता है। ये मैट्रिक्स 1D डायमेंशन में होता है और इसे एक ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से रीड किया जाता है। दोस्तों, बारकोड का इस्तेमाल सबसे पहले 1974 में किया गया था, और च्युइंगम जो हम खाते हैं, च्युइंगम के पैक में सबसे पहले बारकोड का इस्तेमाल किया गया था। बारकोड के जरिए किसी भी सामान की जानकारी का पता लगाया जाता है। इन जानकारियों में किसी भी सामान की कीमत, कोई सामान कब बना, सामान एक्सपायर कब हो रहा है, किसी भी सामान का वजन कितना है, जैसी जानकारी शामिल होती है। बारकोड का इस्तेमाल आप सुपरमार्केट्स में बिलिंग के दौरान देखते हैं, जहां आपके सामान पर लगे बारकोड को स्कैन कर आपकी बिलिंग होती है। बारकोड का इस्तेमाल सुपरमार्केट, हॉस्पिटल, सिनेमाघरों, एक्सप्रेस मॉल्स में आप देखते हैं। इसके जरिए आप स्कैनर से स्कैन कर इसकी जानकारी सेकंड भर में आप पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।